ऑलमोस्ट रेडी फॉर द ट्रैक, होटल से हम निकल लिए हैं। यहाँ पे राज ट्रैवल्स में मैंने अपना सामान रख दिया है। ये ज़्यादा सामान लेके ट्रैवल करने को मतलब है नहीं, तो अभी यहाँ से हमको एक बस पकड़नी है जो बरसानी की तरफ जाएगी। अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद हमारा ट्रैक यहाँ स्टार्ट होगा। थोड़ा सा लेट हो गए हम, जैसे ऑब्वियसली हमेशा ही होते हैं। चलते हैं फिर, ट्रैक तो करनी है, तो लेट्स गो। पहुँचे मनी ग्रहण पे, पर यहाँ तो हम नहीं रुकने वाले। यहाँ पे हम शायद आते समय रुकेंगे। और ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, 15-20 मिनट से वापस नहीं आया। कहता है अरे कब बरसानी पहुँचेंगे, कब ट्रैक स्टार्ट होगा और कब वो पार्क पहुँचेंगे। जब तक आप ये देख, ट्रैक एटलास्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आपको डैम दिखा रहा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो बस से उतर के हम आ गए हैं बरसैनी की तरफ। एक ग्रुप था जो हमसे पहले निकल गया, उसी को पकड़ने की कोशिश करके फिर उनके साथ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शार्ट वे से, शार्ट वे लेते हैं और चलते हैं ऊपर। मजेदार अब यहाँ से जाना कहते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल और यहाँ पे इतना बेहतरीन व्यू, बादल देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं और बीच में ओहो वाह वाह, सारे पैसे सीखे हैं। नीचे तो बारते समय तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्टॉप है जिससे आप बैठ के आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा रेस्ट ना करूँ क्योंकि जल्दी पहुँचना। वैसे हम ऑलरेडी तो अंधेरा होने से पहले मैं ऊपर पहुँच रहा हूँ। तो मटक मटक के चल रहा है, जॉनी ब्रावो की तरह है। इसका नाम जॉनी ब्रावो रखा है। गंगा तक जा रहे हो? चलो भैया के साथ चलते हैं। गाँव आगे वो जंगल वाला सही रहता है, थोड़ा छाँव आती रहती है। अभी भैया के पास स्टॉप लिया हमने, थोड़ा शुगर रस ले रहे थे, कोई एनर्जी चाहिए, थोड़ा भूख लग रही, बिस्किट वस्किट खाया मैंने, अस्पी बढ़ाते हैं थोड़ी। यहाँ पे लिखा तो था वाटरफॉल, पर कितना दूर है वो मिल चुका, तो बस ये पता है कि आसपास में जो वाटरफॉल है वो आने वाला। तो वाटरफॉल से हमारा आधा रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 6 किलोमीटर हमको चलना है। तो एक बार मिड पॉइंट तक तो पहुँचे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे। चलते रहो चलते रहो चलते। कितने के लिए? 3 के लिए एक ही जीते, कोई ना कुछ तो मिला। हम लोग चल रहे हैं भैया, बीच में लूडो खेलते खेलते भी आ रहे हैं, हमारे पास आ गए थे। ये टफ पार्ट है। रेस्ट इज माय फ्रेंड, जब ये रेलिंग्स भी हुआ करती होंगी तो ये रास्ते और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते होंगे और
if you're not careful, anything can happen. Here, we are really close to the waterfall now. I think so. आवाज तो आ रही है तो पता लग रहा है. और गाड़ी मुझे तो लगे हिट मैं तो पहन रहा हूँ भाई फिर ध्यान तो हवा चली भैंस कर क्या चाहिए आपको हाँ मेरे पास आके बैठिए कुछ है नहीं मेरे पास ये वाटरफॉल इतना बड़ा और इतना मेजेस्टिक लग रहा है ना इसको लग रहा है कि मैं सुबह से शाम तक देख सकता हूँ इस पानी को बहते हुए सुबह से शाम तक मैं इसको लगातार हमेशा देख सकता बहुत ही सुंदर ट्रैक के उस पार्ट में हम जो बिल्कुल स्मूथ है आराम से चलते रहो कुछ उतार चढ़ाव नहीं है फिर धीरे चलते जा रहे हैं सिंपल ही है थोड़ी देर में आएगा अच्छा वाला चढ़ाव ये आ गई है हमारी खड़ी चढ़ाई अब चढ़ना है और सनसेट होने वाला है धूप एकदम से निकल के आई है कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचने की भाई भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई धूप ये लोग गए यार प्लीज रिवर साइड कैफे आईसी हम पहुँचे हैं सब कुछ आईसी है मुझे आईसी की फुल फॉर्म नहीं पता ये पता करनी पड़ेगी कि आईसी की फुल फॉर्म आके है क्या बट आपने डाइनिंग इन एयर का नाम सुना होगा पर यहाँ पे चलती है डाइनिंग इन वाटरफॉल देख रहे हैं वाटरफॉल के अंदर बैठ के खाओ चिल करो और यहाँ से अब खीर गंगा रह गया 3 किलोमीटर खाते पीते हैं थोड़ा थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है उसके बाद निकलेंगे यहाँ से और 3 किलोमीटर फिर पड़ाटे से मार के सीधा ऊपर गई हमारी चाय और मैगी लाइट तो पड़ रही है वाह सारी मेहनत इसी क्या कर रहे हैं शूज निकाल लो पानी चला जाएगा रुको 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 आ जाओ नहीं गया एक थोड़ा सा गिला हुआ है वी आर टोटली इन द एंड गेम अराउंड 7 बजने वाले हैं अंधेरा होना चालू हो गया सनसेट हो चुका है मेरे ख्याल से तो रोशनी अभी है बट हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास का शायद 1 या 1/2 किलोमीटर बचा है अराउंड 1/2 घंटा लगे तो ये एट मैक्स होपफुली अंधेरे से पहले पहुँच जाए तो कुछ ऊपर से आके दिखाई दे वरना सुबह देखेंगे जब तक के लिए चले चलो चले चलो क्या शानदार वाटरफॉल है पता नहीं कहाँ ऊपर से ये आ रहा है वाह ब्यूटीफुल लग रहा है जैसे हम ऊपर पहुँचने वाले हैं थोड़ी रोशनी दिखने चालू हुई है लग रहा है चोटी के पास हम हैं वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ खीर गंगा देख रहे हैं आप कैंप की ऐसे लाइनें लगी हुई हैं और अब हमको अपना कैंप ढूंढना है वी हैव टू सर्च फॉर कोविड कैंप वी हैव रीच्ड डैम व्यू कैफे और डैम व्यूज कैफे से है डैम का व्यू ओह माय गॉड सो ऑब्वियस